जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए माता मरही के बारे में कुछ जानकारी, उनकी सिद्धि विधान और उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी कैसे कृपा प्राप्त की जाए, वो सब दो पार्ट के माध्यम से मैं डालूँगा। ठीक है, पहले पार्ट में मैं उनकी जो उत्पत्ति हुई, वो कैसे उन्होंने अपना कार्य शुरू करा, लोगों के प्रति कैसे उनका रुझान शुरू हुआ और उनकी जो प्रसन्न करने की भेंटें हैं वो कैसा है, उनका जो द्वारपाल हैं और ये सब जानकारी मैं पहली वीडियो में दूंगा। और दूसरी वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे सिद्धि करी उनकी और कैसे मैंने उनसे कुछ प्रश्न करे और उन्होंने कैसे जवाब दिए, फिर वो सब मैं दूसरे पार्ट में बताऊँगा। तो पहले पार्ट में आप पूरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी को उनके बारे में कुछ हद तक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं माता जी के बारे में, माता मरही जी के बारे में। देखिए दोस्तों, माता मरही को कई नाम से पूजा जाता है, कई नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग क्षेत्र में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतर आपको गंगा घाट के किनारे ही इनका मंदिर मिलेगा, क्योंकि इनका वास जो होता है वो गंगा घाट के आसपास, ठीक है, और शमशान घाट के आसपास ही मिलेगा आपको। इनको शमशान वासिनी के रूप में भी बोला जाता है, माँ तारा के रूप में भी बोला जाता है, माँ शीतला के रूप में भी बोला जाता है, माँ मदानन के रूप में भी बोला जाता है, माँ चौराहे वाली के रूप से भी बोला जाता है, माँ पार्वती परमेश्वरी के रूप में भी बोला जाता है। और पार्वती परमेश्वरी क्यों नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहला नाम इनका यही था, पार्वती परमेश्वरी। फिर उसके बाद माँ शीतला नाम पड़ा उनका, फिर माँ मदानन पड़ा, फिर माँ मरही पड़ा। मैं बताऊंगा एक एक स्टेप से कैसे क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, उत्पत्ति के लिए तो कई आप जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ इनका धाम बना है, जहाँ जहाँ इनके शक्तिपीठ बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी। तो उसमें से जो तीन चार चीज़ें हैं, तीन चार बातें हैं, वो मुझे सही लगी और सही भी लगी, क्योंकि उसमें कुछ बातों में दम भी था, तो वही बातें मैं आप सभी को बताऊँगा। देखिए, पहली चीज़ जो पहली बात थी, तो उसमें ये बोला जाता है कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था और जब कृष्ण जी की जगह दूसरी लड़की को वहाँ पे रखा गया था, उनकी गोद में, कृष्ण जी की माता जी की गोद में रखा गया था, और जब कंस जी आए थे और उन्होंने जब उस बच्ची को सर उठा के पटक के मतलब जान से मार दिया था, तब जब वो आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है और तुम्हारा भांजा जन्म ले चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये सब जब जो आकाशवाणी जिन्होंने की थी वो कहते हैं कि माता मरही ने ही की थी, वहीं से ही उनका जन्म हुआ, ऐसा बोला जाता है। दूसरी चीज, जब गोगा जावीर पीर जो थे, वीर जो थे, उन्होंने जब मुगलों से युद्ध छेड़ा था, जब मुगलों से युद्ध चल रहा था, मुसलमानों से युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जब युद्ध में वो परास्त होने लगे थे, जब मुगल लोग इन पे भारी पड़ने लगे थे, तब उनके जो वजीर आलम थे, वजीर जो थे नाहर सिंह वीर पांडे जी, वो भी अपने में बहुत बड़ी शक्ति थी और उनको पूजा जाता है आज भी, बहुत लोग पूजते हैं, बहुत लोग इनकी दुहाई लगाते हैं मंत्रों में। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने गोगा जी को जब ये बताया कि महाराज आप ऐसा करिए कि माँ काली की इस रूप में आप इनको सिद्धि कर लीजिए, तो आप इनको परास्त करने में सक्षम हो जाएंगे, आप युद्ध जीत सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि क्यों, क्योंकि फिर जो नाहर सिंह जी भी थे, उन्होंने फिर ये बताया कि जो मरही माता है, जो माता मदानन है, उन्होंने ये अपना प्रण लिया था कि जब उनकी उत्पत्ति हुई थी कि वो मुस्लिम तंत्र और मुस्लिम काट के लिए ही जन्मी है, तो अगर आप इनकी सिद्धि कर लेते हैं तो इनके परास्त करने उन लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप युद्ध बड़े आसानी से जीत सकते हैं। तब उन्होंने नाहर सिंह जी की बात मानी, फिर उन्होंने सिद्धि करी माता जी की, फिर उन्होंने परास्त करा दुश्मनों को, तब ये भी बोला जाता है यहाँ से भी उत्पत्ति हुई। ठीक, तीसरी चीज जो हमारी सुनी सुनाई बातें हैं, पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब इनका नाम पार्वती परमेश्वरी था पड़ा था, तब
इस कहानी को अगर जोड़ा जाए तो काफ़ी हद तक सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, जब कहा जाता है कि जब माँ पार्वती जी जब सती हुई थी, ठीक है, जब सती हुई थी अग्नि में जाके, तब उन्होंने जो जन्म लिया था, जब उसमें से एक उत्पत्ति उग्र रूप की शक्ति उत्पन्न हुई थी, इसको कालरात्रि भी बोलते हैं, ठीक है, पर कालरात्रि ना बोल के उनको मदानन भी बोलेंगे। तब उन्होंने बोला था कि मैं आज से मुस्लिम तंत्र के लिए, काट के लिए ही उत्पन्न हुई हूँ, जन्मी हूँ, और इस पे मैं ज़्यादा कारगर करूँगी। पर उन्होंने ये भी बोला था कि जब मैं जिसके ऊपर चलाई जाऊँगी, जब मैं जिसके ऊपर क्रोधित हो जाऊँगी, जब मेरी दृष्टि जिसके ऊपर उग्र रूप में पड़ जाएगी, उसका मैं विध्वंस करके ही रहूँगी। ये बात हुई थी। तब वहाँ से उनकी उत्पत्ति शुरू हुई, तब वहाँ से उन्होंने अपना विधान दिया, कुछ लोगों ने वहाँ से सिद्ध करा, फिर वहाँ से उन लोगों ने इनकी प्रयोग करना शुरू करा, तब वहाँ से प्रचलन में आया, फिर जिस जिस देश में जिस जिस जगह पे गई, जहाँ जहाँ लोग पूछते थे उनको, क्योंकि माँ काली का ही तो स्वरूप है ना, ये माँ तारा का ही तो स्वरूप है ये। अब उसमें तो आप तुम कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मशानी चीज़ें बहुत आसानी से काटती हैं, छोटी मोटी इतर यौनी की शक्तियाँ तो चुटकी में पलभर में काट देती हैं। मुस्लिम तंत्र तो उनके आगे घुटने टेक देता है, पीछे हट जाता है, और उसके ऊपर तो कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता। और एक बात सुनिए, इसको एक तरीके से जो धोबी समाज के लोग होते हैं, जो रजक लोग होते हैं, उनमें ये बोला जाता है कि इनकी कुल देवी हैं ये, पर बताया ये जाता है, जो जहाँ तक मुझे पता है, इनको कुलदेवी इनकी काली जी हैं, ठीक है, और काली के स्वरूप में ही जो उनका उग्र रूप होता है वो मराही माता और माता मदानन होता है। तो कहते हैं कि लोग कि जहाँ धोबी का मतलब घाट होता है, वहाँ जहाँ पानी का किनारा होता है, वहाँ पर भी इनकी जो मंदिर होता है, जो स्थापना होती है, वहाँ पर भी की जाती है। और धोबी समाज के अधिकतर लोगों को इनके जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इनकी ये कुल देवी हैं। कहते हैं लोग कि मतलब अगर किसी के यहाँ तंत्र किया हुआ हो, या मुस्लिम तंत्र केवल किया हुआ, तो अगर कोई धोबी समाज का आदमी या जो भगत हो धोबी समाज का, केवल मात्र उस व्यक्ति के घर में पैर रख दे या उस व्यक्ति के सर पे हाथ धर दे, तो उसकी पीड़ा, उसका तंत्र अपने आप कट जाता है, उसकी पीड़ा अपने आप दूर हो जाती है। और ये है सही है, ये रियल फैक्ट है और बहुत कारगर चीज है। पर इन सब शक्तियों को कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर पहले नहीं यूज करना चाहिए, कभी पहले नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये पलटने में भी देर नहीं लगाती हैं। मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में कि क्यों ये ऐसा करती हैं, क्योंकि इनका पलटने में देर नहीं लगती है। आपने भोग दे के चलाया इनको, सामने वाले ने भी अगर भोग दे दिया तो वो पलटने में और सोचने में देर नहीं लगाएंगी कि वो साधा के में जिसके ऊपर मैं पलटा वापस जा रही हूँ, वो मेरा साधा के मुझे मेरी सिद्धि उसने की रखी है, वो सोचने में देर नहीं लगाएंगी। ये प्रश्न भी मैंने उनसे किया था, तो मैं आने वाली वीडियो में इसका जिक्र करूँगा। और बताइए, और सुनिए, मैं ये बोल रहा था कि जब इनकी सिद्धि करी जाती है तो पहले इनको अपनी रक्षा के लिए ही खड़ा किया जाता है आगे, कभी इनको पहले नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर सामने वाले ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है या सामने वाले ने आपके ऊपर कुछ मारण प्रयोग किया, तो आप अपनी सुरक्षा के रूप में जब इसको चलाएंगे तब वो 100% कारगर होगा, तब उसमें ना पलटने का खतरा है ना किसी चीज़ का खतरा है, क्योंकि आपने अपनी सुरक्षा के लिए किया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए या किसी को मारने के लिए किया है। ये सब गुप्त चीजें हैं, ये सब गुप्त बातें हैं, इनको सिद्ध करना, देखिए एक छोटा बच्चा भी सिद्ध कर सकता है, और एक अगर बड़ा सा बड़ा तांत्रिक है, अगर वो अहंकार ही होगा, या फिर ये समझ लीजिए कि अगर वो सबका अनादर करता है या फिर किसी का बुरा करता है, तो वो सिद्ध ही नहीं कर जाएगा, चाहे जितनी शक्तियां उसके पास करने को, छोटा बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि वो मन का साफ है। जब मैंने सिद्धि करी थी, तो मैंने जब माता के सामने अपने घुटने टेके थे, जब मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी मराई माता के सामने, उनकी स्मृति के सामने, मैं दिखाऊंगा स्मृति, जब मैं वहां पर लॉकडाउन के बाद जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा उनकी स्मृति, आप लोग खुद उनकी शक्ति का एहसास करिएगा वहां पर जाके। जब मैंने घुटने टेके थे वहां पर, जब मैंने उनके सामने रोया था, जब उनसे मैंने प्रार्थना करी थी,
तब उन्होंने मुझे बदले में एक फूल मात्र आशीर्वाद के रूप में दिया था। उनके हाथों से छूटा हुआ फूल आज भी मुझे याद है, पर वो फूल मैं ना उठा पाया क्योंकि जो बगल में मेरे औरत खड़ी थी उसकी नज़र उस फूल पर पड़ी और उसने लपक झपक कर उठा लिया फूल। और मैं तो माता से प्रार्थना करने में लीन था, आंसू बहे जा रहे थे, हाथ जोड़ के रोया जा रहा था। और माता ने जब आशीर्वाद दिया तो, पर कहते हैं ना कि जिसका जो होता है वही भागीदारी होता है, पर मुझको आशीर्वाद तो मिल गया ना, फूल ना मिला तो क्या हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप वो फूल को ही उनका पूरा अंश माने, उन्होंने एक इशारा दे दिया वो काफ़ी है। तब मैंने जाके उनकी सिद्धि करी, तब मैंने जाके इस चीज़ को इस लाइन में धारण किया शक्ति को, फिर मैं इस लाइन में उतरा। आज भी माता को मैं याद करता हूँ, आज भी वो पल भर में मेरे सामने खड़ी होती है। आज भी कई लोगों ने मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग किया जब मैंने शुरुआती में वीडियो बनाई, कई लोगों ने मुझके ऊपर हर तरीके से करने की सोचा, स्तंभन करने के लिए सोचा, पर कोई कुछ मेरा क्यों नहीं कर पाया। जब मेरी माँ मेरे सामने है, मेरी मतलब ये समझ लीजिए कि अब वो कोई छू नहीं सकता, तो वो तंत्र क्या मेरे ऊपर प्रयोग करेगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं पर लोगों को पता नहीं है। खैर छोड़िए, बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों देखिए, मराई माता के बारे में कुछ जानकारी थी छोटी मोटी, और इनको आप बड़े प्यार से बड़े प्रेम रूप से इनको सिद्ध कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप सात्विक रूप में कर रहे हैं तो केवल आप इनको कृपा के रूप में ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके अनुष्ठान तो अगर सात्विक रूप से तो बहुत ही बड़ा है और बहुत इसमें समय भी लगेगा आपको करने के लिए। पर जो तामसिक इसका है प्रयोग, जो इसकी सिद्धि है साधना का है, वो तो आपको शमशान में बैठ के ही करनी पड़ेगी। और 21 दिन का विधान है, और इसको आप 21 दिन या 31 दिन या 41 दिन में करेंगे, 41 दिन का करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा इसका, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से पूरी शक्ति पूरी सामने से प्रत्यक्ष होकर आपके सामने आएगी, जैसे मैंने किया था। पर कुछ लोग इसको बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं पर वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका तपोबल और उनके जो मंत्रों की शक्ति होती है वो इतनी कारगर नहीं हो पाती है। और ये शाबरी मंत्र से बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती हैं, पर इनका संस्कृत मंत्र भी है मेरे पास, पर उससे अभी करने की अनुमति नहीं है मुझे। और इसके 3 मंत्र हैं मेरे पास शाबरी के, और एक संस्कृत का भी है हमारे गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ, हमारे उस्ताद जी के द्वारा दिया हुआ। दोस्तों इसमें बलि हमेशा ही तामसिक लगी है, अगर आप तामसिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको सिद्ध करना है तो तामसिक रूप में ही सिद्ध करिए, तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर सात्विक रूप से आप करेंगे तो इतना नहीं फल मिलेगा आपको जितना तामसिक रूप में मिलेगा। इसमें आपको एक बलि भी देनी पड़ेगी इनको सिद्ध करने के लिए, और इनका शराब का भोग तो लगता ही है। और मात्र इनको शराब और बलि देकर चला दिया जाए अगर, तो फिर वो रोके नहीं रुकती हैं किसी से। ठीक है दोस्तों, इतनी सी थोड़ी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो तक आने का वेट करिए। तब तक के लिए जय भोले।